ठंड लगी है ने कहां पर आई है वाला तो। हेलो देखियो इस साइड, हाय 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 गिर गया। बहुत सुंदर है मंदिर वो देख सामने। वाओ यार हाँ। देखो तो सही कितनी प्यारी लोकेशन है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू ब्लॉग, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे। एंड बाय द वे आज सोचा था हमने बाहर घूमेंगे, आप देखो बारिश लगी हुई है बहुत जोर की, सुबह से बारिश लगी हुई है। ओ तो हमारा तो प्लान कैंसिल हो गया। निखिल भाई कहाँ बता रहे थे, प्यारे से मंदिर बता रहे थे, दूर है थोड़ा सा यहाँ से। बहुत प्यारी सी जगह बताई थी निखिल ने, एक मंदिर है बहुत प्यारा, वहाँ पर जाना था, तो जाते तब आपको बताता उसके बारे में। फिलहाल आज तो मुश्किल है क्योंकि पूरा दिन बारिश बताई गई है, देखते हैं आज कैसा दिन बीतता है हमारा। Seen a lot of change, been through a lot of pain. तो फिर गाइस बारिश रुक चुकी है और मौसम एकदम से प्यारा सा हो चुका है और अभी बाइक पर हम कहीं जा रहे हैं बाहर घूमने। और आज के ब्लॉग की थीम क्या रखी जाए, आज के ब्लॉग की थीम रखते हैं नेचर और चलते हैं नेचर की तरफ घूमने। जैसा अभी मैंने इतनी मेहनत करके अपने बाल सेट किए और अभी हेलमेट पहनना पड़ेगा। Things are not the same. मौसम तो ऐसा है कि बारिश फिर से लग सकती है और हम बाहर तो निकल चले और बाइक के ऊपर है, लग गई तो मुश्किल हो जाएगी। और रास्ता तो निकल के घर का ऐसा है जैसे शिमला वाली फील दे रहा है। क्या भूल गया, ग्लव्स। जैसे हम बाहर निकले नेचर ने कहा भाग पूरे कपड़े पहन के अच्छे से बाहर ठंड बहुत ज्यादा है, ऊपर से विंड चीटर पहन लिया मैंने और निखिल ने ग्लव्स और मफलर क्योंकि ठंड ज्यादा है। नेचर का बात कर रहे हैं ना आज तो नेचर खुद सिखाता है। मेरे ना हेयर खराब हो गए यार। बाइक ठंडी पड़ गई है हमारी, बाइक ठंडी पड़ गई है। रात को छोटे छोटे पपीज दिखाए थे ना आपको, अभी भी दिखाता हूँ आपको। तो नेचर ने हमारा रास्ता बंद कर दिया है, नेचर ने या ट्रैक्टर ने बंद कर दिया है, ट्रैक्टर है ये ट्रैक्टर। देखिए कल यहाँ पर आपके स्वागत के लिए साफ था रोड, आज जुदा हो गया, यहाँ पे कोई फायदा नहीं हुआ। ये देखिए हमारे दो पप्पी, ये बड़े बड़े पप्पी बच्चू। ठंड लगी है ने कहां पर आई है वाला तो। हेलो हेलो छोटा सा जीबू देखिए साइड कहां पर आई है। तो ये वाला मुझे सबसे प्यारा लगा, देखिए इस साइड क्यूट बच्चे। हाय 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 गिर गया, प्यारा लग रहा है गाइस। छोटे छोटे प्यारे लगते हैं, बड़े हो जाते हैं तो उतने अच्छे नहीं लगते। एक आ रहा है वहां से, बहुत प्यारे प्यारे सारे। ये इन बच्चों की फैमिली है, बच्चा पार्टी, मम्मी डैडी है नहीं इनके तो यहाँ के लोकल लोग ही इनकी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत ये भी डाल दिया है इनके लिए रहने के लिए कि गर्म रहे और खाना वगैरह भी डाल देते हैं, अच्छी बात है। बच्चे बाय 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 बाय, मिलते हैं बाद में। सेल्फी नहीं उठा रही ठीक। एक्चुअली गाइस हम लोग बाहर तो आ गए और किस्मत साथ नहीं दे रही है, बारिश फिर से लग चुकी है। निखिल के घर से 7-8 किलोमीटर दूर हम एक मंदिर के तरफ जा रहे हैं, अबा देवी मंदिर है उस जगह पर जा रहे हैं हम, और बारिश लगी हुई है तो थोड़ा हेलमेट बचा रहा है, तो हेलमेट का फायदा ये भी हो रहा है मुझे, लगभग 1 किलोमीटर बचा है, चलते हैं फिर। देखो नेचर के ऊपर आज का हमारा ब्लॉग है और हमें फिर से रुकना पड़ गया है बारिश की वजह से, तो अभी एक जगह पर रुके हुए हैं हम, और बारिश रुकेगी तभी आगे कहीं जा पाएंगे। तो फिर अब जाके थोड़ी बारिश शांत हुई है और निकलते हैं अभी जल्दी से यहाँ से, पर लगी हुई है भाई अभी अभी भी थोड़ी थोड़ी। अच्छा यहाँ से नज़ारा काफी सुंदर है और देखो थोड़ा सा आगे चले और बारिश फिर से बहुत ज्यादा लग चुकी है, और बाय द वे लंच का टाइम भी हो चुका है, भूख लगी है बहुत जोर की। यहाँ पर एक जगह पर कुछ खा लेते हैं, चलो। मछली मछली तेरे को लगती ठंड, जैकेट दी है इसको मैंने भाई, जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, पर अभी तुम्हें टीवी दिखाता हूँ, ये देखो खतरनाक वाला टीवी।
फिलहाल हम एक छोटे से कैबिन में हैं और चाय तो आ गई है और खाना भी ऑर्डर कर दिया है। कैबिन कुछ ऐसा जैसे पैक लगाने वाली फीलिंग है, बट हम ड्रिंक नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं, चाय पीने वाले बंदे हम। चीयर्स। गरम गरम गिलास पकड़ने का मजा आ रहा है, ठंडे हो चुके हैं। फिलहाल हमारी एक डिश आ चुकी है, चिली पनीर, बाकी अभी आएगा, अब जाके आया अपना पूरा खाना, बहुत टाइम है। एक्चुअली गाइस लंच तो कर लिया हमने और सीन बताता हूँ आपको। बाय द वे बारिश तो रुक गई है अब और यहाँ पर आए थे हम और तुम्हें सच बता दो इतना बाहियात खाना था, मज़ा नहीं आया। अब ये हंस रही है दोनों दोस्त। बस चाय ठीक थी। तो अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर, मेरा गेट। जय हो। जब भी किसी ऐसे धार्मिक स्थल पर आते हैं ना, एक पॉजिटिव वाइब आना शुरू हो जाती है। जय माता वाह देवी। वैसे मंदिर है बहुत ज्यादा खूबसूरत। वो देख सामने, बहुत सुंदर है यार, सच में बहुत सुंदर। कैसा लग रहा है मंदिर? तो भाई बहुत ब्यूटीफुल है और मैं आई थिंक बचपन में आया था यहाँ पर, उसके बाद नहीं आया। देखने में सुंदर है बहुत ज़्यादा और बचपन का तो मुझे याद ही नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी याद नहीं है। अच्छी जगह लेके आया भाई। देखिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय बोले शिव शंकर। अनमोल फिर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। पैर की क्या हालत है? सुन्न हो गए हैं पैर, बहुत ठंड लग रही है। एक्चुअली ना जगह इतनी प्यारी है ना, मतलब ये तो मंदिर सेंटर में और चारों तरफ पहाड़, पहाड़ों का भी ना अलग अलग नजारा है। एक साइड देखोगे तो यहाँ पर ब्लू जैसे पहाड़ दिखाई दे रहे दूर की साइड और स्काई कलर डिफरेंट है और यहाँ पर पास वाले पहाड़ डिफरेंट है और इस साइड वाले पहाड़ देखोगे तो यहाँ पर स्नो भी दिखाई दे रही। तो ये देखो इस साइड सामने की तरफ, वाओ इतने ज्यादा ब्यूटीफुल है, पहाड़ ऊपर बादल नीचे और बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है। तो जैसा कि मैं बता रहा था आज की हमारी थीम है नेचर के ऊपर, तो नेचर इतना खूबसूरत है, हम नेचर को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, नेचर हमें कंट्रोल करता है। जैसा कि आपने देखा बारिश लगी हम आगे जा नहीं पाए, वो ये बात है, पर माता जी का बुलावा आया था तो हम यहाँ तक पहुँच गए और इतनी पॉजिटिव वाइब और इतनी एनर्जी है यहाँ पर, क्या बताऊँ आपको। जय माता दी। बर्फ गिर यहाँ पर पड़ी थी बहुत साल पहले, पहाड़ों में ना थोड़ी थोड़ी सनलाइट पड़ रही है तो बहुत सुंदर लग रहा है। कंचना माता, वो तो बहुत अच्छा, कंचना माता का मंदिर बहुत ज्यादा उस साइड है। वो देख यहाँ से ना, ये देख यहाँ पे वो वाला पहाड़। अच्छा अच्छा, वो उस पहाड़ के वो छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है। तो रुको मैं बहुत ऊपर भाई साहब, ये रहा। अच्छा इस मंदिर पे गया था तू है ना? हाँ इस मंदिर पे। चलो जाएंगे कभी, कल चले, चल पड़ेंगे कल, अगर कहीं और जाना नहीं हुआ तो चलेंगे, बारिश ना हो बस। एक्चुअली एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि नेचर एक ऐसी चीज है जैसे हम इसके साथ जिएंगे तो ये टेक्नोलॉजी हम भूल जाएंगे और मेरा माइंड इतना फ्रेश हो चुका है ना। मैंने बताया था कि मैं इसी काम को लेकर आया था, मुझे थोड़ा स्ट्रेस हो रहा था काफी दिनों से और भाई साहब इतना अच्छा फील हो रहा है ना मुझे। देखो तो सही कितनी प्यारी लोकेशन है, वाह निकल गया रहा है। कल जिस जगह पर हम जाने वाले हैं वहां पर मेरा स्ट्रेस और भी खत्म हो जाएगा। बाय द वे मेरा ऑलरेडी स्ट्रेस बिल्कुल ओवर हो चुका है और मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ को और काफी मजा आ रहा है। खिड़की बालकनी मजा आ जाएगा, मजा। निखिल तो इन पहाड़ों पे ही खो गया है, इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं ना, क्या बताऊं मुझे खुद, मतलब दिल आ गया इन पहाड़ों पे। उस साइड मौसम साफ है। हाँ उस साइड मौसम साफ है, लाइट जा रही है और ये धौलाधार, ये धौलाधार है, धौलाधार। वाह चलते हैं फिर। चलो जैसे मन तो नहीं कर रहा है जाने का, थोड़ा टाइम और स्पेंड करने का मन कर रहा है, कल थोड़ी देर और बैठ लेंगे। हाँ वैसे भी अभी यहाँ से निकल रहे हैं और ठंड बहुत ज्यादा हो चुकी है, पहले पता होता इतनी ठंड थी यहाँ पर, तो थोड़ा कपड़े उस टाइप के लेके आते हैं। बाय बाय मंदिर जी, बाय बाय। काफी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर मिली और चलते हैं अब वापिस। तो ट्रैफिक हर जगह पर इतना हो चुका है ना। I've changed for the better this time. और राइट, तो अभी पहुंच गए वापस रूम में और अभी मैं पिछले दिन का व्लॉग एडिट कर लेता हूं ताकि वो टाइम पर अपलोड भी करना है, तो अभी वो काम कर लेते हैं फिर उसके बाद देखते हैं क्या बनता है आगे। As they were a year ago, but I'll be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine.
I strive just to say.